नमस्कार, मैं कृष्णा शांतिधाम का स्वागत करती हूँ। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। आंखें सहजता से बंद करें, कमर गर्दन स्थिति कर लें, मन ही मन उस ईश्वरीय चेतना का स्मरण करें जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है, हम सभी का जीवन आगे बढ़ रहा है। उसी ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए तीन बार दिल ओम का उच्चार करेंगे। एक इनहेल इनहेल last round inhale महामंत्र का उच्चार करेंगे। इनहेल ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः बराबर आवाज आ रही है। चलिए फर्स्टली कपालभाति करेंगे, दोनों हाथ नीचे पे रख ले। पाया 5 मिनट्स कंटिन्यू कपालभाति करेंगे। एक बार इनहेल करना है 60 टाइम, एक्सहेलेशन करेंगे। जिन्हें हरन या माइग्रेन हाई की वो लोग नहीं करेंगे, अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो स्लोली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें कपालभाति। डीप इनहेल एक्सहेल इनहेल स्टार्ट एक्सहेलेशन। अपनी क्षमता के अनुसार करें, जिससे जितना हो। अगर 60 टाइम्स नहीं होता है तो जितना होता है करें, अगेन इनहेल करें, अगेन एक्सहेलेशन स्टार्ट करें, क्षमता अनुसार करें। लास्ट 2 मिनट
लास्ट टाइम इनटू टेस्ट लॉक करें, ब्रीथ पॉज करें, होल्ड करें अपने क्षमता के अनुसार। वंस अगेन डीप इनहेल इनटू टेस्ट लॉक, ब्रीथ होल इनसाइड। चलिए खड़े हो जाएंगे, अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाए, दोनों हाथ अपनी वेस्ट पे रख लें। फर्स्टली ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे, इनहेल करते हुए नेक अप, एक्सहेल करते हुए नेक डाउन, ब्रीथ के साथ करेंगे स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. साइडवेज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, नेक रोटेशन, इनहेल करते हुए हाफ सर्कल, एक्सहेल करते हुए अदर आर्म, वर्टिगो वाले नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. रिवर्स करें एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Look up, stretch your mouth like a fish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rub your both palms, massage your throat upward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Full hand rotation करेंगे, elbow straight रहेंगे, दोनों हाथों से rotate करना है shoulder को start. Inhale, exhale के साथ, inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सर्टिफिकेट लगे के इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अदर साइड एक्सहेल डाउन, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, स्पाइन ट्विस्ट करेंगे, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैर के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस कर लें, दोनों पैर के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 रिलैक्स, दोनों हाथ अपनी वेस्ट के ऊपर, इनहेल करते हुए जितना होता है बैक बेंड करें, एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री फॉरवर्ड बेंड करें, ठीक है, दोनों पैर के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस बेंडिंग रहेगा। चलिए इनहेल मैक्सिमम बैक बेंड, लोअर बैक से बैक बेंड करें, नी स्ट्रेट रहेगी, स्लाइटली फोल्ड होगी, एक्सहेल 90 डिग्री फॉरवर्ड बेंड, नी स्ट्रेट, एब्स इन, नी स्ट्रेट, 1 चलो जी ऑल्टरनेट करना है, 2 यस 3 4 जर्क नहीं देना है, 5 6 7 8 9 10 इनहेल बैक बेंड एंड होल्ड, मैक्सिमम बैक बेंड एंड होल्ड, बैक बेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फोर बेंड 90 डिग्री, नी स्ट्रेट, एब्स इन, 1 ब्रीथ नॉर्मल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, इनहेल अप, दोनों पैर के बीच में हिप के जितना डिस्टेंस कर लें, हिप रोटेशन करेंगे, डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ाएं, हिप रोटेशन, इनहेल करते हुए आगे एक्सहेल पीछे, हिप से रोटेट करेंगे, 1 बिना पैर में डिस्टेंस बढ़ाओ, 2 हिप को रोटेट करो, हिप से सर्कल, 3 अपर बॉडी नहीं हिप, 4 यस 5 6 7 8 9 10 रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल आगे एक्सहेल पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 रिलैक्स, जंपिंग चेक करेंगे, जिससे जंप नहीं हो वो नॉर्मल करेंगे, देख लीजिए पहले सर्टिफिकेट को बाद में करें, पहले नॉर्मल वाला देखें, जिससे जंप नहीं हो रहा है वो सर्टिफिकेट को देखें, इसे नॉर्मल करेंगे, और जिससे जंप हो रहा है वो जंप करेंगे, स्टार्ट 1 2 3 4 अपना लेग मूवमेंट ड्रॉप हो रहा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 relax relax, deep inhale, slowly exhale, deep inhale, slowly exhale, अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करें, अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें, अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का करेंगे, 5 राउंड सूर्य नमस्कार, सरोजी चेयर पे बैठ के करेंगे, 5 राउंड और भी सूर्य नमस्कार करेंगे, अपने आप को तैयार करें, नॉर्मल कर ले पहले, ओके, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, इनहेल अप बैक बेंड, एक्सहेल डाउन फोर बेंड,
इनहेल राइट लेग बैक सूर्य दर्शन नी टच लुक अप एक्सहेल दंडासन प्लैंक नी चेस्ट और चिन टच लिप्स अप स्टमक अप इनहेल भुजंगासन लुक अप एक्सहेल माउंटिंग Inhale, right leg forward between your hands. Exhale, left leg forward, both hand legs together. Inhale, back bend. Exhale, relax. Again, inhale, back. Exhale, down. Right leg back. Dandasan, Ashtang, Bhujangasan, Parvatasan, right leg forward, both legs together, inhale up. Exhale, relax. Inhale, Urdhva Hastasana. Exhale, Pada Hastasana. Inhale, Surya Darshana, right leg back. Exhale, Dandasana. Retain, Ashtang. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, right leg forward. Exhale, both legs together. Inhale, back bend. Exhale, relax. Last round. Inhale, up. Exhale, down. Knee straight, abs in, head to knee touch. Inhale, right leg back. Jitna hota hai leg ko piche leke jaye aur knee touch kare. Maximum pehle se hi piche leke jaye. Dandasan, plank mein jaye. Plank, knee up. Ashtang, knee chest or chin touch. Hips up, stomach up. Bhujangasan, look up. Shoulder roll back, chest open up. Parvatasana mounting. Knee straight, abs in, look at your level. Knee straight, hip ko piche push karo. Knee straight karo, sala ji, knee straight rakhna hai. Parvatasana mein knee ko full nahi rakhna hai. Aur aage leke jao haath ko. Haath ko aur aage leke jao, knee straight aayega. Hands forward, sala ji. Aur maximum, yes, on. Right leg forward between your hands. Surya Darshan. Dono haath ke beech mein aapka foot aana chahiye. Knee toh ke aage nahi jaani chahiye. Both legs together. Dono pair saath mein Pada Hastasana. Knee straight, head to knee touch. Inhale, back bend. Exhale, relax. Relax. Deep inhale. Slowly exhale. Deep inhale. Slowly exhale. चलिए अगले अभ्यास के लिए तैयार हो. अगला अभ्यास उत्थित हस्त पादानुष्ठान करेंगे. उसके लिए पहले आप जा सकते हैं को देख लें. आप अगर जिससे नहीं हो रहा है या सब लोग बॉल सपोर्ट से करेंगे तो आपका जो भी बॉल है उस तरफ आपका फेस कर दीजिए. सरोज जी आप चेयर पे रखेंगे. आप खड़े हो जाएं चेयर पे रखेंगे. ठीक है आप घूम जाए चेयर पे रखेंगे. सामने रखेंगे चेयर. नहीं नहीं चेयर पर रखती पीछे नहीं रखना है. सामने रखना है अपनी सीट सामने रखनी है चेयर की. आप चेयर के आगे आ जाए और फॉरवर्ड मतलब आपका लेग चेयर के ऊपर रखना है. ठीक है हाँ अभी सब लोग दोनों हाथ आपकी कमर पे राइट लेग को वॉल के ऊपर रखें. साजाकुति में इनको देख लें. राइट लेग सबका ऊपर वॉल के ऊपर स्ट्रेट लाइन की डिग्री. सरोज जी आप चेयर पे रखें लेग को 90 डिग्री लेग
नी स्ट्रेट, नी को स्ट्रेट रखें, सेम हैंड से टो को होल्ड करने की कोशिश करें, सेम हैंड से टो को होल्ड करें, यस जितना हो रहा है करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नॉर्मल रहेगा, इमेजिन फोर बेंड नहीं करना है, थोड़ा लेग को ऊपर लीजिए और लेग को और ऊपर लीजिए, लेग अप 90 डिग्री और ऊपर, लेग ऊपर अपसाइड, यस डिस्प्ले, यस वन होल्ड करेंगे यहाँ पे, ब्रीथ नॉर्मल, टू नहीं अगर हो रहा है तो जितना हाथ पहुंच रहा है उधर हाथ रखें, थ्री अगर एंकल पे काफ पे नी पे जहां भी आपका हाथ पहुंच रहा है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी लास्ट टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन रिलैक्स लेग चेंज करें, इनहेल लेफ्ट लेग अप 90 डिग्री लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को होल्ड करने की कोशिश करें, अपर बॉडी सामने रहेगा, वन होल्ड टू ब्रीथ नॉर्मल थ्री फोर को एंगेज करके रखें, ब्रीथ को नॉर्मल रखें, फोर नी को स्ट्रेट रखें, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी लास्ट टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन रिलैक्स। अभी इसमें ही वेरिएशन करेंगे, अभी लेग हमने सामने रखा है, अपर बॉडी हमारा सामने है, अभी लेग साइडवेज अप करना है, अपर बॉडी सामने रहेगा, पहले जागृति मैम को देख ले एक बार, देख लीजिए आपका राइट लेग साइड में अप करना है, इनहेल करके पहले ऊपर उठाए और साइडवेज अप करें, वॉल पे रखें, हाथ आपका अंगूठा पकड़ के रखें, अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो जहां भी पहुंच रहा है रखे, लेकिन नी बेंड नहीं होगा, ओके करिए जितना हो रहा है करिए, वन होल्ड टू यस थ्री हाँ तो ऑपोजिट देखना है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऑपोजिट इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। लेग चेंज करेंगे, अदर लेग इनहेल करते हुए टो अप साइडवेज लेके जाए लेग को, यस होल्ड करें सपोर्ट के साथ, ऑपोजिट देखना है नी को स्ट्रेट करें, अपर बॉडी सामने की ओर, वन दूसरा हाथ आपकी वेस्ट पे रख दें, टू ऑपोजिट देखना है, थ्री फोर नी स्ट्रेट ब्रीथ नॉर्मल, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हिमाम करिए दूसरे लेग से, इलेवन ट्वेल्व साइडवेज करिए, साइड में साइड में, पहले किया था वैसे नहीं, आप हील अप नहीं करनी है, हील अप नहीं, लेग को साइड में ऊपर लेके जाना है, थर्टीन जागृति मैम को देख ले, जागृति मैम आपका पोस्चर दिखाई नहीं दे रहा है, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन लुक अपोजिट
टू अपोजिट देखे थ्री आपका नेक अपोजिट साइड है ना मैम फोर फाइव यस सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अगले अभ्यास में अपने मैट के ऊपर आ जाए, दोनों हाथ आपकी कमर पे, इनहेल करके राइट लेग को फॉरवर्ड जितना होता है ऊपर आगे की ओर उठाना है, जितना हो रहा है करें लेकिन होल्ड करना है, कंपल्सरी होल्ड, इतना ऊपर नहीं उठेगा तो होल्ड नहीं होगा, जितना होता है करिए ऊपर होल्ड, वन करिए टू अप एंड डाउन नहीं करना है होल्ड करना है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन लास्ट फाइव फोर थ्री टू वन रिलैक्स। अपर बॉडी को पीछे नहीं लेके जाना है, लेग ऊपर ले जाने के लिए लेग थोड़ा नीचे रहकर चलेगा, अपर बॉडी स्ट्रेट लेना चाहिए आपका, पीछे लेके नहीं जाना है अपर बॉडी को, लेग ऊपर नहीं आएगा चलेगा, बॉडी स्ट्रेट ओके। लेग चेंज, इनहेल लेग अप ब्रीथ नॉर्मल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रिलैक्स रिलैक्स। अगला अभ्यास उत्कटासन, दोनों पैर के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस करें, एक से डेढ़ फीट का डिस्टेंस करें, एक से डेढ़ फीट का डिस्टेंस दोनों पैर के बीच में, इनहेल करते हुए इनहेल एक्सहेल दोनों हाथ ऊपर नी बैक, नी इनसाइड रहेगी आउटसाइड नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। वन मोर टाइम, इनहेल एक्सहेल डाउन, दोनों हाथ कान को टच, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाए तो आपकी आउटसाइड बी शेप में रखे तो आउटसाइड ठीक है, दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक पाम्स डाउनवर्ड एल्बो स्ट्रेट, पाम्स डाउनवर्ड एल्बो स्ट्रेट, हाथ को स्ट्रेच करके रखे पूरा, इनहेल एक्सहेल करते हुए हिप डाउन नी बैक, नी को बैंड करें, अपर बॉडी नहीं नीचे लाना है, अपर बॉडी स्ट्रेट रखना है बिना अपर बॉडी स्ट्रेट, वन टू हिप डाउन करनी है खाली, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अप, थोड़ा मैम लेग में थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाए और थोड़ा बढ़ा दीजिए लेग में डिस्टेंस, लेग ओपन नहीं करनी है डिस्टेंस बढ़ाना है खाली, आपके जो फुट भावना मैम तुम्हारा पूछिए लेने थोड़ा अंदर लो फुट ने अंदर नहीं करा लो बस पीछे की ओर पुश करें नीचे जैसे चेयर पे बैठते हैं, यस अपर बॉडी स्ट्रेट, वन अपर बॉडी स्ट्रेट सामने देखें, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कंटिन्यू टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रिलैक्स रिलैक्स। सिट बैठ जाए अपने मैट के ऊपर बैठ जाए, सर जी नीचे ही बैठेंगे आप, बैठ जाए नीचे, रिलैक्स करें डीप इनहेल स्लोली एक्सहेल,
इनहेल स्लोली एक्सहेल। अगला अभ्यास नौकासन का करेंगे, उसके लिए आपको दोनों पैर सामने दंडासन में रखेंगे, दोनों हाथ आपके हिप के बाजू में, बेल्ट नहीं होता है, जिसके पास बेल्ट है या कुछ है ऐसा सपोर्ट के लिए तो वो ले सकते हैं, अगर नहीं आपसे हो रहा है तो, ठीक है, हो रहा है तो कर सकते हैं ऐसे ही, नहीं तो आपको बैलेंस के लिए आप बेल्ट रख सकते हैं। तो दोनों लेग को नीचे फोल्ड करें, दोनों लेग को नीचे फोल्ड करें, इनहेल करते हुए लेग को 45 डिग्री आप दोनों हाथ नीचे बाजू में, अगर ऐसे बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप बेल्ट ऐसे रखें, पहले लेग के यहाँ पे बेल्ट रखें, ठीक है, इनहेल करके नी ऐसे स्ट्रेट करें और पकड़े, बैलेंस करें अपनी हिप के ऊपर, अगर बैलेंस नहीं है तो आप दोनों हाथों को यहाँ पे रख सकते हैं और लेग अप, ओके, इतना पीछे नहीं जाना है, धीमा अपर बॉडी आप एकदम सो नहीं जाना है, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगा। चलिए इनहेल लेग अप, हिप के ऊपर बैलेंस करें, 1 2 सरस जी आप एल्बो पे आ जाए, आप ऐसे एल्बो पे आके स्ट्रेट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 सरस जी लेग चेंज, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स, साला में अपर बॉडी को थोड़ा स्ट्रेट रखे, बहुत पीछे नहीं जाना है, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, ठीक है, हेमा मैम आपसे दोनों लेग नहीं हो रहे हैं साथ में, बोथ लेग साथ में नहीं हो रहे हैं दोनों, ओके दोनों लेग साथ में करने, अगर नहीं हो रहे हैं तो एक करें, नहीं तो दोनों लेग साथ में नहीं स्ट्रेट, अपर बॉडी को ज्यादा पीछे लेके नहीं जाना है, अपर बॉडी स्ट्रेट रखना है, ऐसे ही पोस्चर है, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे करें, सरोज जी आप ऐसे करें, ठीक है, भावना मैम और रसाला जी जितना हो रहा है बॉडी को आगे खींचे आगे, ओके चलिए लास्ट टाइम 20 काउंट करेंगे, लास्ट टाइम कोर अपनी कोर को एंगेज करके रखे, ब्रीथ नॉर्मल, कोर पकड़ के रखे, ब्रीथ नॉर्मल, ओके चलिए इनहेल लेग अप, 1 2 दोनों हाथ के बाजू में जीना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स रिलैक्स, बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाए, बटरफ्लाई की पोजीशन में आ जाए, बद्ध कोण आसन करेंगे, पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छा है, दोनों पैर बटरफ्लाई पोजीशन में जितना हो रहा है पैर को अंदर करें, सरो जी आपसे जितना हो उतना ही करें, ज्यादा अंदर नहीं लेंगे आप खुद को, आप थोड़े आगे ही रखें, खुद आगे ही रखें, सरो जी खुद को दोनों आगे ही रखें, बाकी सब लोग जितना हो रहा है अंदर लेंगे, ठीक है, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है, आपके हेड को फ्लोर पे टच करना है, फुट के आगे जितना हो रहा है करें, इनहेल एक्सहेल, पेट को अंदर खींचे, पूरा नीचे जाए, हेड डाउन, 1 2 3 4 लोअर बैक से नीचे झुके, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स रिलैक्स, पैर को थोड़ा आगे रखे, गैप करें अपने पैर के बीच में, गैप करें बटरफ्लाई पोजीशन में, पैर को आगे रखे, हमने अभी अंदर लिया था, अभी थोड़ा आगे रखे, इनहेल करना है, एक्सहेल करके अपने हैंड को बीच में, पैर अपने बीच में जो पैर के बीच में गैप है उधर नहीं लेनी, आपकी हील के ऊपर टच करना है, हैंड को फुट के ऊपर जहां पे भी आपका हो रहा है,
काय करे इनहेलेशन आहे एक्सहेल करके अपने खुद के ऊपर। चलिए ट्राई करें, 1 2 एज सेम ब्रीथ नॉर्मल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 relax up। okay last पैरों को अंदर की तरफ ले, फिंगर इंटरलॉक करें और पैर को लॉक करें, एल्बो स्ट्रेट बैक स्ट्रेट, पैर जितने होते हैं फुट को आपके अंदर की तरफ ले, ठीक है, कमर गर्दन सीधी, दोनों एल्बो स्ट्रेट, इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए आपकी नीज को नीचे की ओर पुश करना है, स्ट्रेच करना है, लेग स्ट्रेच डाउन साइड, बैक स्ट्रेट एल्बो स्ट्रेट, यही पोजिशन में होल्ड करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल। चलिए करिए, 1 2 3 4 5 नी को जितना होता है लेग को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते रहे, 6 पावना में लेग स्ट्रेच करिए नीचे की तरफ, 7 अपने आप स्ट्रेच करिए एल्बो स्ट्रेट बैक स्ट्रेट, 8 आपके पेल्विक एरिया पे इनर थाई पे स्ट्रेच आएगा पूरा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 relax lie down on your stomach apne pet ke bas ho jaye lie down on your stomach pet ke bas ho jaye deep inhale slow exhale 2 times अर्धधनुरासन करेंगे, सरोज्या सलभासन करेंगे, ठीक है, बाकी सब लोग अर्धधनुरासन करेंगे, सरोज्या दोनों हाथ हिप के नीचे रख दीजिए, थाई के नीचे, दोनों हाथों पाम्स को थाई के नीचे रख दीजिए, बाकी सब लोग नहीं रखेंगे। अभी सब लोग क्या करेंगे, राइट लेग को नीचे फोल्ड करें सब लोग, और दोनों हाथों से एंकल होल्ड करें, अगर दोनों हाथों से नहीं हो रहा है एक हाथ पकड़ रहा है ठीक है, सरोज जी आप खाली वन लेग अप करेंगे, नी स्ट्रेट करें, नहीं नी बेंड नहीं करनी है सरोज जी आपको, नी स्ट्रेट करें और लेग अप करें खाली, बस इनहेल अप, सरोज जी आप लेग अप करें, बाकी सब लोग खींचिए लेग को ऊपर, जादू जी ने दिखाए, थाई को ऊपर खींचिए, अर्धधनुरासन वो पोज, आप वो पोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 relax, leg change, other leg hold, ankle hold करें, इनहेल स्ट्रेच करें अपने लेग को थाई से ऊपर खींचे, अपर बॉडी आप लेग को अपने हिप के ऊपर नहीं लाना है, लेग को बाहर की तरफ खोलना है, 1 2 वो पोज, 3 लेग को खोलो जीना, 4 5 6 7 8 9 ऊपर खींचिए लेग को थाई से, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 relax। दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में, एयर स्विमिंग करेंगे दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में, दोनों हाथ फ्लोर से थोड़े ऊपर ले लीजिए, फ्लोर से थोड़े पाम्स ऊपर ले लीजिए, यस स्टार्ट करें, इनहेल पूरा स्विम करें, आप जिस भी आगे आएंगे लेग ऊपर पीछे जितना होता है आपकी बेली पे प्रेशर आएगा, आगे पीछे मूव करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20. Relax. Relax. Relaxing Makarasana. Relaxing Makarasana. To outside, heel inside. Dono ke beech mein distance. Deep inhale. Slow exhale. Lie down on your back. अपने बैक के ऊपर सो जाए. Lie down on your back. आपके दोनों हाथ आपके हिप के नीचे रख लें. उत्तान पाद आसन का अभ्यास करेंगे. दोनों हाथ हिप के नीचे, दोनों पैर स्ट्रेट. इनहेल करते हुए दोनों लेग को, बोथ लेग्स 45 डिग्री अप. आपके टो के खाली, आपको टो दिखना चाहिए सोए हुए. हेड अपने कन्हाई वाला में, नजर खाली आपके टो के ऊपर. होल्ड करें. 1, 2, 3, 4. नी स्ट्रेट को एंगेज. ब्रीथ नॉर्मल. 5, 6, 7. वन लेग करेगा दोनों में, लेग नहीं हो रहा है. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. अभी दोनों लेग को 60 डिग्री अप करेंगे. 20 काउंट जो लोग वन लेग से कर रहे हैं वो 10 काउंट के बाद लेग चेंज कर ले अपने आप. ओके, 60 डिग्री अप, 45 से थोड़ा ऊपर. आपकी लोअर बैक, अपर बैक, मिडल बैक फ्लोर पे टच रहेगी. इनहेल, बोथ लेग्स अप 60 डिग्री. 1, 2, 3, 4 और ऊपर जीना. 5, 6 बस स्ट्रेट. 7, 8 साला जी थोड़ा डाउन. 9 बस. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Last time 90 degree leg up. सबके होंगे जितना हो करें. दोनों ले नी स्ट्रेट रखें, नी को स्ट्रेट रखें. 90 डिग्री नहीं हो रहा है इसको के, नी को स्ट्रेट रखें जितना हो रहा है करें. इनहेल, बोथ लेग्स अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. नी स्ट्रेट. 16 core engage, breathe normal. 17, 18, 19, 20. Relax. Relaxing Shavasana. Shavasana में relax करें. दोनों पैर के बीच में मैट के जितना डिस्टेंस, palm facing up. Breathe normal. Relax your body. Relax your mind. Focus on your breath completely. Breathe in, breathe out. Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. Focus on your low part of the body, your legs, your toe. Relax. Bottom of the feet. Relax. Ankle. Relax. Calf. Relax. Knee. Completely relax. Thigh. Relax. Hips. Totally relax. Lower abs. Relax. Upper abs. Relax. Chest. Relax. Moving on your back. Lower back. Completely relax. Upper back. Totally relax. Shoulder. Relax. Hands. Relax. Fingers. Relax. Arms. Relax. Wrist, totally relaxed.
एल्बो रिलैक्स, आर्म्स रिलैक्स, नेक कंप्लीटली रिलैक्स, ट्रॉट रिलैक्स, मूविंग ऑन योर फेस इज कंप्लीटली रिलैक्स, नाउ होल्ड योर एंटायर बॉडी एंड योर माइंड इज रिलैक्सिंग, योर माइंड एंड योर बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स. You feel fresh and relaxed. You enjoy with your relaxation, complete relaxation, completely deep inhale, slowly exhale, inhale, slowly exhale. पूरे बॉडी को रिलैक्स करें, माइंड को रिलैक्स करें. आज के योगा अभ्यास से जो भी तनाव खिंचाव हो रहे हैं उसे रिलीज करें, एक्सेप्ट करें पॉजिटिवली. बॉडी में हुए चेंजेस को एक्सेप्ट करें. Massage your face. Turn on the left side. And up. धीरे से उठ के बैठ जाए. किसी भी सुखासन में या ज्ञानात्मक आसन में आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील कर रहे हो उसमें बैठे. कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद. फर्स्टली पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे. रिंग फिंगर और थंब के टिप्स को टच करना है. बाकी सीधी अपवर्ड अपनी नीज पे दोनों हाथ. आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी. इनहेल एक्सहेल. पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे. पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें. फील करें पॉजिटिव वाइब्स को जो हर एक सांस के साथ अंदर जा रहे हैं. हरेक ब्रीथ आउट के साथ आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स थे वो बाहर निकल रहे हैं. पृथ्वी मुद्रा के बेनिफिट्स आपके बोन्स को और आपके मसल्स को स्ट्रेंथन देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. जिसके मसल्स जिसके बोन्स वीक होते हैं वो अगर पृथ्वी मुद्रा करें तो बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूत बनाती है. नर्वस सिस्टम को सही करता है, संतुलित करती है. ये मुद्रा आपकी नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है. किसी फिजिकली जो वीक है उनके लिए बहुत अच्छी है ये मुद्रा. वेट लॉस भी करती है, वेट गेन भी करती है. दोनों में ही फायदेमंद है. जिसको वेट गेन करता है उसके लिए भी और वेट लॉस करना है उसके लिए. हेयर लॉस जिसके हो रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छी मुद्रा है. हेयर लॉस के लिए मल्टीटास्क मुद्रा है. कोई भी मुद्रा 15 मिनट्स तक करनी है. अगर आपके पास 15 मिनट्स नहीं है तो आप 5-5 मिनट करके 10 बार करें या 10-10 मिनट करके 5 बार करें. अपने टाइम के हिसाब से आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से कर सकते हैं. मुद्रा आप कभी भी लगा सकते हैं, खाने के बाद तुरंत भी लगा सकते हैं, किसी के साथ बात करते हुए, टीवी देखते हुए, कभी भी कर सकते हैं. मुद्रा का अभ्यास लॉन्ग टर्म करना होता है तो ही हमें फायदा मिलता है. 2-4 दिन करने से आपको फायदा होगा लेकिन आपको फील नहीं होगा, दिखेगा नहीं.
मुद्रा लगाते समय, लगाने के बाद बैठे हैं तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स आपको खुद को देने हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम से वो दूर हो रही है, जड़ से निकल रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट ट्री, नेक्स्ट ट्री। रिलैक्स करें, रिलैक्स। आज हम मूल बंध लगाएंगे। मूल बंध मतलब कि आपके एनएस मसल्स को, हमारे प्राइवेट पार्ट को हमें अंदर ऊपर की ओर लेना है और रिलीज करना है। इनहेल एक्सहेल करना है, पहले पूरा इनहेल करें, फिर उसके बाद पूरा एक्सहेल करने के बाद ब्रीथ को होल्ड करें और अपने एनएस मसल पूरे प्राइवेट पार्ट को ऊपर की ओर खींचे और होल्ड करें। पहले हम 10 टाइम इनहेल करके होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल के साथ होल्ड एंड रिलीज 10 टाइम्स ऐसे करेंगे। उसके बाद इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ब्रीथ को होल्ड करेंगे और मूल बंध को पकड़ के खींच के रखेंगे ऊपर की ओर। ट्राई करें। मूल बंध जो लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब आफ्टर 45 जिससे लीकेज प्रॉब्लम होता है, मतलब यूरिन लीकेज प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हम खांसी करते हैं, खांसी खाते हैं या कुछ भी ऐसे आती है हमें, तो यूरिन लीकेज हो जाता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है ये मूल बंध बहुत ही अच्छा है। और जिसका मतलब यूट्रस, कभी ऐसा होता है कि यूट्रस बाहर निकल आता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि हम पहले से ये प्रिक्वेशन ले तो ये नहीं होता है हमारे साथ। ठीक है, तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे इनहेल एक्सहेल के साथ, मतलब इनहेल करते हुए हम अपने मसल्स को ऊपर की ओर खींचेंगे, प्राइवेट पार्ट एनएस मसल्स को, एक्सहेल करके रिलीज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ नीज पे रख ले, कमर गर्दन सीधी रखें, बिल्कुल सीधी इरेक्ट करके। ठीक है, इनहेल करें ऊपर खींचे, एक्सहेल करें रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल, 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 इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी इनहेल, पूरा इनहेल करें, पूरा एक्सहेल करें और ब्रीथ को होल्ड करें। एक्सहेल करने के बाद बाह्य कुंभक, ब्रीथ को होल्ड रखना है और अपने एनएस मसल पार्ट को ऊपर खींच के रखना है। 10 काउंट तक होल्ड रखेंगे, जितना हो रहा है करें, अगर छूट जाए नो प्रॉब्लम, अगेन करें। ठीक है, लेकिन ट्राई करेंगे 10 काउंट आप होल्ड कर पाए, ब्रीथ आउट करके होल्ड करना है। ओके, चलिए दूसरा
थ्रू हर नीज पे कवर करते हैं. सीजी इनहेल एक्सहेल और होल्ड. भूल बंद खींच के रखें, होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. वंस अगेन इनहेल एक्सहेल होल्ड. 1, 2 बंद को करके रखे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अभी हम महाबंध लगाएंगे तीनों बंद साथ में. उसके लिए क्या करना है, पूरा सीधा सीधा बैठना है, दोनों हाथ नीज पे, एल्बो स्ट्रेट रखनी है. ठीक है, इनहेल करना है पूरा, एक्सहेल करके चिन को लॉक करेंगे. ब्रीथ होल्ड रहेगा एक्सहेल करने के बाद. चिन को लॉक करेंगे, तालाजर बंद, पेट को अंदर खींचेंगे. लास्ट में मूल बंद, तीनों बंद, जालंधर बंद, उडियान बंद और मूल बंद, तीनों बंद साथ में होंगे. 10 काउंट होल्ड करेंगे फर्स्ट, 3 टाइम करेंगे, 10-10 काउंट होल्ड. ठीक है, ट्राई करें, मूल बंद छूट जाता है लेकिन ट्राई करके पकड़ के रख लीजिए. तो पहले एक बार देख लीजिए उसके बाद कीजिए. पहले देख लीजिए, इनहेल एक्सहेल चेन बैक स्ट्रेट स्टमक लीन ब्रीथ होल्ड. ओके, चलिए गुरु हाथ नीज पे कमर गर्दन सीधी. डीप इनहेल पूरा एक्सहेल. लॉक योर चेन स्टमक इन ब्रीथ होल्ड. 1 कमर गर्दन सीधी मूल बंद. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. पेट को पूरा अंदर कीजिए. आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका पेट पाछड़ पीछे स्टमक स्टक हो गया है दोनों. इतना अंदर खींचे, ठीक है, जितना कैपेसिटी है, लेकिन ट्राई करें मैक्सिमम खींचने की. वंस अगेन डीप इनहेल एक्सहेल. चिन लॉक करें, स्टमक इन ब्रीथ होल्ड. बैक स्ट्रेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. लास्ट टाइम तीनों बंद साथ में और बेटर करने की कोशिश करेंगे. इनहेल एक्सहेल लॉक योर चेन बैक स्ट्रेट स्टमक इन ब्रीथ होल्ड. 1 मूल बंद. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. रिलैक्स. दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद. 3 टाइम्स ओम चैंटिंग. टेक अ डीप ब्रीदिंग. ओम. ब्रीदिंग. ओम. Last time. Oh. Shanti. 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 Hari Om. अच्छे से दोनों पाम्स को रब करें, एनर्जी को जनरेट करें. मसाज योर फेस, अपनी आंखों पे लगाए, अपने फेस पे लगाए, पूरे बॉडी पे एनर्जी को फील होने दें. नमस्ते, थैंक यू ऑल ऑफ यू. किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो.